कैसे हो? मैं हूँ अन्वेषा। आज मैं लेके आ गई हूँ एक काफी रिक्वेस्टेड वीडियो, थी काफी टाइम से कि इस चैनल पे वेट्स के साथ, एक्सटर्नल वेट्स के साथ, डंबल्स के साथ कुछ एक्सरसाइज या मूवमेंट दिखाइए। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ 12 मूवमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, 12 मूवमेंट दैट यू कैन डू विद वेट्स। सो हियर आई एम यूजिंग माई पेयर ऑफ 5 kg डंबल्स, रियली सॉलिड वन दैट हैव बीन विद मी फॉर एवर। गाइज, आई हैव बीन ट्रेनिंग विद वेट्स फॉर मोर देन 4 years नाउ। आप वेट ट्रेनिंग करके बल्की या मर्द जैसे नहीं बन जाते, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। सो देर आर 2 एक्सरसाइजेस पैटर्न दैट आई लव। इफ यू गाइज फॉलो मी देन आपको आज तक पता है, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एंड योगा, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा। दीज 2 आर माई फेवरेट। तो मैं जो क्लासेस लेती हूँ ना वीकेंड में ऑनलाइन स्मॉल बैचेस में, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल ऑल्सो हेल्प यू बेटर बी बेटर विद सम ऑफ योर एडवांस योगा पोजेस एज वेल। स्टार्ट विद द 2 kg डंबल। अगर आपके पास डंबल नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप गेट अ वाटर बॉटल दैट इज फिल्ड, 1 liter वाटर बॉटल दैट इज फिल्ड विद वाटर। दिस इज नॉट अ फॉलो अलॉन्ग वीडियो, दीज आर सम मूवमेंट दैट आई विल शो यू। आज मैं आपको अपर बॉडी के एंड लोअर बॉडी के 6 ईच दिखाऊंगी। बस वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि I'll be telling you certain very important tips. So let's start with upper body first. Now guys, मैंने ये करने से पहले already warm up कर लिया है. So one day you can focus only on your upper body, and the next day you can focus on your lower body. Or if you're someone who loves training with weights every day, then you can divide your different muscle groups 5 days में. But I will highly recommend, कोई भी weight training करते हो तो give yourself at least a day's rest. Warm up में आप क्या कर सकते हो? You can do 50 jumping jacks or maybe 50 air squats or 20 burpees, या फिर simple air squats कर लिया, lunges कर लिए, कुछ deltoid circle वाले ऐसे कुछ movements कर लिया, cobra to mountain कर लिया, high knees कर लिए 50, ऐसे टाइप आप वार्म अप कर सकते हो। वार्म अप के बिना वेट्स के साथ वर्कआउट नहीं। Okay, so the first movement is simple overhead press or shoulder press. Okay, elbows flexed out straight in one line. Inhale, down. Inhale, down. Core engaged. Squeeze in your core. Glutes engaged. Feet firm on the ground. 12 repetition. ऐसे हमने किया, तो 1, okay, and 2, 3, 4. ऐसे करके आपको 12 करने हैं. 6, 7, 8, 9. 10, 11 and 12. See? 12. Minimum 12 करना ही है, 12 repetitions. ये आपके shoulders के लिए बहुत सही है। By the way, हर एक movement के movement में आपको अपना core engage करके, squeeze करके hold करना है, breathing करते रहना है और mind muscle connection. Okay? ये सब extension भी इसको कहते हैं। ओके, ट्राइसेप्स 15 रिपीटेशन करना है आपको। ऐसे अपने हाथों को कान के साथ सटाक के रखना है और हाथों को थोड़ा सा आगे ले जाइए, देन यू विल फील बेटर बर्न। नाउ बैक स्ट्रेट, बेंड अप, एक्सहेल। एल्बोज का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एल्बोज ऐसे फ्लेक्स आउट नहीं होंगी, ऐसे जितना पास होने की कोशिश करेंगे, ओके, फिर चैलेंज होगा। सो ऐसे आपको 15 रेपिटेशंस करने हैं। ओके, मूवमेंट 3 इज बाइसेप कर्ल्स। आपने डंबल्स को साइड में रखना है। योर एल्बो शुड नॉट बी वेरी फार अवे फ्रॉम योर बॉडी। ट्राई टू फिक्स योर एल्बो एट अ पोजीशन एंड इनहेल स्लोली स्ट्रेट डाउन। इनहेल, आपकी बॉडी नहीं मूव हो रही है, द डंबल शुड नॉट टच योर बॉडी, देन यू फील अ ग्रेट बाइसेप में स्ट्रेन। ये आपको एटलीस्ट 12 रिप्स करनी है, कोर एंगेज्ड एंड कीप डूइंग इट। ओके, मूवमेंट 4 इज नाउ फॉर योर चेस्ट। चेस्ट प्रेस लाइंग डाउन। नाउ डंबल्स से ले लो, आप एल्बोस इतने फ्लेक्स आउट नहीं, थोड़ा सा इन करना है, ठीक है, थोड़ा सा इन। सो आपके इनहेल, गेट योर डंबल्स क्लोज, एल्बो स्ट्रेट, इनहेल, एल्बो स्ट्रेट, एक्सहेल आउट।
स्क्वीज योर चेस्ट मसल्स. आपको चेस्ट में फील होगी, आपकी बैक शुड बी ऑन द मैट, योर फीट फर्म ऑन द मैट. गेट द स्ट्रेंथ एंड लिफ्ट एंड पुश. इसको आपको 15 रिपीटेशंस करनी है. ओके, the fifth movement we are doing for our back, this is dumbbell bent over row. This is going to be your position, knee slightly bent, spine straight, hip hinge, pronated grip like this. This is your pronated grip, slight oblique shape to your dumbbell. Okay, spine straight. Aapko hurt nahi karna apna back. Elbows close to your body. Great for your upper back. इसका आपको 12 रिपीटेशन लेना है. थोड़ा सा हल्का हैंगिंग पोजिशन जब होगा, डंबल थोड़ा सा ऑब्लिक रखना है एंड एल्बोज को जितना आपने क्लोज लाना है. यू कैन एक्सेल अप और यू कैन इनहेल, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल. Now the last upper body movement is lateral raises for your lat muscles. So आपको इसमें करना क्या है, अपने dumbbells को सामने ऐसे लेके आना है. Feet इसमें आपको बहुत strength चाहिए. Okay. Now for that you also have to make sure that your glutes engaged, your core is engaged. Okay. Feet firm on the mat. Down slowly. 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 आपको इसको करना है 10 टू 12 रिपीटेशन. सो दीज आर ऑल द अपर बॉडी मूवमेंट्स. अब मैंने आपको सिर्फ ये फॉलो अलॉन्ग नहीं दिखाया, जस्ट मूवमेंट दिखाया और रिपीटेशन बता दिया कितने करने हैं. आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए. अब आपने अगर एक दिन आप अपर बॉडी कर रहे हो, यू कैन डू दिस मूवमेंट्स एंड देन रिपीट अगेन एटलीस्ट 3 राउंड्स. कंडीशनिंग मूवमेंट ऐड कर सकते हो, थोड़े बर्पीज कर लिया, थोड़े कोर के लिए प्लैंक कर लिया, प्लैंक जैक्स, हाई प्लैंक, कुछ मिक्स एंड मैच करके अपर बॉडी एक दिन, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करके सॉलिड एक वर्कआउट कर सकते हो. नेक्स्ट डे कम बैक और टेक रेस्ट और डू योगा, कम बैक देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे स्टार्ट विथ योर लेग वर्कआउट. चलो अब लेग्स के हम देख लेते हैं 6 मूवमेंट. 6 मूवमेंट अपर बॉडी देख लिया, 6 मूवमेंट हम लोअर बॉडी के देखते हैं. आ जाओ. सो लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट्स. स्क्वाट्स का भी आपको नॉर्मल स्क्वाट करना है. स्क्वाट्स का भी आपको एटलीस्ट 12 टू 15 रिपीटेशन करना है. डंबल्स को सामने रख के इनहेल, एक्सहेल अप. स्क्वाट्स में आपको हिप को थोड़ा सा पीछे करना है और पीछे बैक स्पाइन आपको स्ट्रेट रखना है. इसके बाद करेंगे लंजेस. लेग आगे, बॉडी स्टेबल विथ वेट्स ऑन हैंड्स. बैक स्विच लेग, बॉडी को स्टेबल करना है, अपर बॉडी को. बैक लंजेस का भी आपको दोनों लेग में यू हैव टू ट्राई 12 रेपिटेशन ईच, टोटल 24. इसके बाद करेंगे डेड लिफ्ट. हल्का सा नी को बेंड करेंगे, हल्का सा. ओके, एंड गो डाउन, स्पाइन स्ट्रेट, अप, एक्सहेल, इनहेल, बेंड नीज लिटिल बिट, गो डाउन, स्पाइन स्ट्रेट, अप, ग्लूट्स एंगेज. Keep your dumbbells close to your body. इसका भी आपको 12 repetitions निकालने हैं. इसके बाद करेंगे गुड मॉर्निंग. ग्रेट फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स. डंबल्स को ऐसे, डंबल्स को ऐसे पीछे रखिए, वेरी सिमिलर टू डेडलिफ्ट पोजिशन बट स्टिल ग्रेट फॉर योर हैमस्ट्रिंग. गो. इसका भी आपको 12 रेप्स.
अब करेंगे हम सुमो स्क्वाट. सुमो स्क्वाट इज ग्रेट फॉर योर इनर थाइज एंड योर ग्लूट्स, बट्स के लिए. सुमो स्क्वाट में पोजिशन देख लीजिए, फीट फॉर्म ऑन द मैट, ग्लूट्स एंगेज, वेट इन फ्रंट. ऐसे आपको इसका भी 12 टू 15 रेप्स निकालने. लास्ट मूवमेंट और सिक्स्थ मूवमेंट. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर काव्स मसल्स. हिप्स को ऐसे रखना है, आप यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल. एंड जस्ट लिफ्ट एंड डाउन फॉर योर काव्स स्ट्रेंथनिंग. कम ऑन योर टोज एंड डाउन, लिफ्ट, कम ऑन योर टोज एंड डाउन. इनहेल एक्सहेल. You can also keep it here. Lower body के लिए सारे आपके hips, thighs, quads, calves, butt, सब glutes सारे target हो गए. So one day you can do some upper body, getting some conditioning movements. One day you can do some lower body, mix and match. और ये repetitions आपको 12 minimum, 15 maximum रखने हैं. And then you repeat, do it again for another 2-3 rounds. Okay? This is how you can build up to your strength. इसके साथ आप योगा ऐड कीजिए जरूर. Without weights करना है तो मैंने अभी एक वीडियो दिया था without weights full body strength training, आप देख लेना. Basic movements है but बहुत effective movements है अपने muscle group को target करने के लिए. If you guys are lifting weights, I will highly recommend you give yourself rest at least for a day. When you are doing weight training, please eat well, eat right. मेरे पास ये 5 किलो का dumbbell है, मेरे पास 10 किलो का kettlebell है और 20 किलो का barbell है. So these are my training things, but I keep it basic, not important to lift heavy. It's important to keep your posture right, your technique right, your breathing right. I will end my video here. I'll see you guys soon in my next video. Till then, take care.